Hello, fourth class student. Welcome back in our online class. Dear student, I hope you all are well at your home and you all are doing your work and study regularly and properly. Today we will discuss here class fourth subject English chapter number 10 and topic is Pinocchio. And we will discuss here second part of this chapter. In the first part, we read ki how a carpenter bought a queer piece of wood, and after that when he thought to make something to that piece of wood, so he the piece of wood start to digging, laughing and teasing to the carpenter. So dear student, and as the carpenter start to make the something from to queer piece of wood, so he start taking to carpenter. So that's why the carpenter thought ki I will make the puppet from to this unique piece of wood. So he start to create the puppet, and he gave him name Pinocchio. So what happened after that, let's discuss in the second part. So, and if you have a book, please open page number 170 and 171. Otherwise, you can see my left hand side on board. Okay. So, when its leg and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. Okay. So as we know, as we read, he as soon when he start the making the part of body part of the puppet. So he, first of he make the eyes and puppet move their eyes. ठीक है, जैसे उसने आंखें बनाई तो वो अपनी आंखें हिलाने लगा. As soon finish the making the eyes, ठीक है, वो अपनी आंखें हिलाने लगा. Before the mouth was made, he begin to laugh. और जैसे उसने अपना मुंह बनाया, उसका मुंह बनाया puppet का, Pinocchio का, तो वो क्या हंसने भी लगा. ठीक है, and it did stop, but as soon as his back was turned, और जैसे ही वो क्या है पीछे घूमता तो वो चुप हो जाता. ठीक है, और आगे घूमता हूँ फिर उसे परेशान करने लग जाता. एंड इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट डोज ग्रू लॉन्गर, और जैसे ही वो ये सब हरकतें करता, मैंने बताया था कि जब कोई भी हरकतें करता तो उसकी जो नाक थी वो लंबी हो जाती थी. तो व्हेन इट्स लेग एंड फीट वर मेड, जैसे ही इसके जो क्या है फीट और पाँव, लेग और फीट जो वो बनी, दे वर टू स्टिफ, वो उनको हिलाने लगा. To use, so the carpenter showed Pinocchio how to use them. और वो ये देख के आश्चर्यचकित था कि Pinocchio कर कैसे रहा भाई. जैसे उसके बॉडी पार्ट बन रहा, वो उसी बॉडी पार्ट को क्या कर रहा था, यूज कर रहा था. पैर बने उनको हिलाने लगा, आईज बने उनको हिलाने, इधर उधर घुमाने लगा. ठीक है, Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. और जब उसने उसको पूरा कंप्लीट बना दिया और वो सरा रहती था, तो कारपेंटर ने सोचा कि अब जो Pinocchio है उसको मैं क्या करूंगा, स्कूल भेजूंगा ताकि पढ़े लिखे और कुछ क्या करे, कुछ सीखे और अपने शरारतों से बाज आए, यानी वो अपनी शरारतें करना बंद कर दे, यानी वो गलतियां करना बंद कर दे, स्कूल में आके कुछ सीखे. तो कारपेंटर ने डिसाइड किया कि ही सेंड टू Pinocchio स्कूल, कि मैं Pinocchio को कहां भेजूंगा, स्कूल भेजूंगा कुछ सिखाने के लिए. But Pinocchio did nothing but look for fun. और but there, पर वहाँ पर भी Pinocchio did nothing. उसने स्कूल में जाके भी कुछ नहीं किया, बस वहाँ जाके बैठ गया. वहाँ पर उसने कुछ नहीं किया, ना मुंह वगैरह, ना हिला, ना आंखें हिला, कुछ नहीं. जैसे एक पपेट होता है, बस बैठ गया पुतला. यहाँ वहाँ यानी स्कूल में उसने कोई भी शरारत नहीं करी, वहाँ पर जस्ट एक नॉर्मल पपेट की तरह वो बैठा रहा. आपने देखा होगा डॉल या पपेट होते हैं ना, जो पुतले होते हैं तो कुछ करते हैं, वो बैठे रहते हैं. अगर आप ऐसे रहोगे ऐसे रहेंगे, तो पपेट है. ऐसे Pinocchio ने स्कूल में सबके सामने कुछ नहीं किया, जाके बैठ गया जैसे एक पपेट रखा हुआ रहता है वैसे ही. ठीक है, बट लुक फॉर फन, और ओनली क्या है, मजाकिया दिखता रहा, मजाकिया दिखता रहा कारपेंटर को, देखो पपेट को स्कूल भेज रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे करके उसका भी और Pinocchio का भी दोनों का मजाक बनता रहा. He after run away from school, और वहां वहां से चला आया. Why, ठीक है, why don't you
गो टू स्कूल, और पपेट वहां से, वो वहां से आया और गो, ठीक है। फिर कारपेंटर ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो और वहां पे कुछ क्यों नहीं करते हो। आज द कारपेंटर पिनोचियो टोल्ड हिम अ लाई, और जब कारपेंटर ने पिनोचियो को पूछा कि भाई तुमने स्कूल में कुछ क्यों नहीं किया, यहाँ तो खूब शरारत करते हो, वहां पे भी तो कुछ करना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था, तुम वहां पे जाके खाली बैठ गए, ठीक है, और तुम्हारा मजाक बनता रहा और तुम वहां से स्कूल से भाग आए हो, ठीक है, तो व्हाई गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। आज के दिन कारपेंटर ने पिनोचियो से पूछा, पिनोचियो टोल्ड हिम, और फिर पिनोचियो ने उनको झूठ बोला। क्या बोला? झूठ। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जब वो झूठ बोल रहा, उसने झूठ बोला तो उसकी नाक और लंबी हो गई। तो मैं बता रहा था ना, जब भी वो कोई झूठ बोलता था या कोई शरारत करता था, उसकी नाक क्या हो जाती थी? लंबी हो जाती थी। तो ऐसे ही जब उसने फिर कारपेंटर से झूठ बोला तो उसकी नाक लंबी और लंबी और लंबी होती गई। Each time he was rude to someone, और हर समय वो क्या होता था? रूड, निर्दयी हो जाता था किसी और के लिए। और told a lie, जब कभी भी वो किसी को परेशान करता था, रूड यानी निर्दयी, परेशान करना, या झूठ बोलता था someone, और told a lie, जब वो किसी को झूठ बोलता था या क्या करता था, रूड निर्दयी बन जाता था, तो क्या होता था? उसकी जो नोज थी वो क्या हो जाती थी? लंबी हो जाती थी। Finally, Pinocchio said, "I am glad to be a real boy. I will never lie again." फिर अंत में जब उसकी नाक खूब लंबी होती जा रही थी, तो Pinocchio ने डिसाइड किया कि अगर मैं रियली में कभी बॉय बना, अगर मैं वास्तव का कभी बॉय बना, तो मैं क्या करूंगा? कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। Pinocchio said, "I am glad to be a real boy. I will never again lie again." कि जब अगर मैं क्या बनूंगा, वास्तविक का बॉय बन जाऊंगा जैसे हम लोग हैं, तो मैं कभी भी क्या नहीं बोलूंगा? झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि नाक क्या हो जाती है? लंबी हो जाती थी। क्योंकि पिनोचियो जब जब कोई शरारत करता था या झूठ बोलता था, उसकी नाक क्या हो जाती थी? लंबी हो जाती थी। ठीक है, दिस स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोचियो। ये जो कहानी है कहां से अडेप्ट करी गई है? पिनोचियो से। और इस कहानी का मोरल है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि उससे क्या होता, कहीं ना कहीं हमारा क्या आती है? नाक लंबी हो जाती है। इसीलिए क्या करो, झूठ मत बोलो, ठीक है। कुछ नया स्कूल में जाके कुछ नया सीखने को कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। आई विल प्रोवाइड अ पीडीएफ रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन योर क्लास ग्रुप, एंड दैट्स वे आवर टेक्स्ट बुक वेरी गोल्ड बुक कंप्लीट। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ ग्रामर, ग्रामर रूल बुक, एंड वी विल राइट दैट चैप्टर। ओके, हैव यू nicely, and thank you.